हे गाइस, गुड इवनिंग। तो आज हम दो कंपनीज के बारे में डिस्कस करेंगे, उनका Q1 FY 25 का नंबर्स आ गया है। तो देखिए, सबसे पहले एक छोटी सी एक डिस्क्लेमर है कि जब भी मैं कोई कंपनी के बारे में बात करता हूँ, उनका जब मैं रिजल्ट्स पढ़ता हूँ ना, मैं क्या करता हूँ ना, जब भी वीडियोस बनाने का मेरा एक ही मकसद होता है, ताकि मैं आपको बता दूं कि उस बिजनेस पे पहले क्या हो रहा था, सो दैट जब मैं इनका रिजल्ट्स बताऊं तो आपको पूरा पर्सपेक्टिव मिल जाए। वरना क्या होता है ना, अगर मैं सिर्फ वो नंबर बता के छोड़ देता कि लाइक सेल्स इतना बढ़ा है, कंपनी का प्रॉफिट इतना बढ़ा, तो आपको उससे कोई मतलब सेंस नहीं बनेगा, राइट? लेकिन अगर आपको पता है कि लाइक से कंपनी का मैनेजमेंट ने पहले क्या बोला था, या कंपनी क्या प्रॉब्लम से गुजर रहा था, एंड देन अब रिजल्ट क्या आया, राइट? या फिर कोई गाइडेंस दिया, अब एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है, आप देखोगे मैं इस तरीके से वीडियो बनाता हूं, सो दैट इट हेल्प्स यू टू गॉज द एंटायर सिचुएशन, या फिर किस दिशा में कंपनी जा रही है, ठीक है? तो आज हम बात करने वाले हैं दो कंपनी का, एक रिटेल स्पेस में है, एवेन्यू सुपरमार्ट्स और डीमार्ट। आप में से तो बहुत लोग डीमार्ट में जाते भी हो अपने ग्रोसरी वगैरह शॉपिंग के लिए। और दूसरा जो कंपनी है वो एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी आप बोल सकते हो, जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है? तो पहले हम डीमार्ट के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, पहले रिजल्ट से पहले मुझे उनका पर्सपेक्टिव देना है कि डीमार्ट में हो क्या रहा था। सो देखिए, डीमार्ट का बिजनेस मॉडल समझिए, उनका 65-70% ऑफ द सेल्स एफएमसीजी सेगमेंट से आता है। अब डीमार्ट में जाके आपने देखे हो, राइट? एफएमसीजी सेगमेंट मतलब सारे थर्ड पार्टी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स। अब एफएमसीजी दो तरीके का होता है, एक होता है फूड, एक होता है नॉन फूड। फूड एफएमसीजी मतलब वही, मतलब से अमूल का बटर बेच रहा हो, किसी का टाटा का सॉल्ट बेच रहा हो, केलॉग्स का कॉर्नफ्लेक्स बेच रहा हो, राइट? दैट कम्स अंडर द फूड एफएमसीजी कैटेगरी। और नॉन फूड एफएमसीजी मतलब से फॉर एग्जाम्पल आज HUL का शैम्पू बेच रहा हो, राइट? फिर आप सोचो कोई अगर टॉयलेटरी बेच रहा हो, गुड नाइट का कॉइल्स बेच रहा हो, तो दैट इज द नॉन फूड कैटेगरी ऑफ एफएमसीजी। तो दिस एंटायर एफएमसीजी वाला जो पार्ट है, दिस इज 70% ऑफ डीमार्ट का टोटल सेल्स। नाउ सोचिए, अगर आप दूसरों का ग्रोसरी आइटम्स, वेजिटेबल्स, एफएमसीजी फूड, एफएमसीजी नॉन फूड बेचोगे, यहां पे डीमार्ट को बहुत वॉल्यूम्स में बेचना पड़ता है, ठीक है? तो इनका जो ग्रोथ आता है एफएमसीजी स्पेस से, तो यहां पे वॉल्यूम ग्रोथ ड्रिवन है। बिकॉज यहां पे आपको समझ में आ रहा है ना, से फॉर एग्जाम्पल अगर आप वेजिटेबल आइटम्स बेचते हो, या फिर एग्जाम्पल आप किसी का कोई थर्ड पार्टी का, लेट से आप कोई स्मॉल टिकट आइटम, कोई सामान अगर एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, तो इसमें डीमार्ट का मार्जिन बहुत कम होता है। गॉट इट? ये समझो, बिकॉज ये पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको समझ में आएगा, मैं क्यों आपको सिखा रहा हूं। तो इसीलिए डीमार्ट का क्या है, एक दूसरा सेगमेंट है, विच इज अ हाई मार्जिन सेगमेंट, विच इज द नॉन एफएमसीजी सेगमेंट। मतलब जनरल मर्चेंडाइज हो गया, अपैरल्स हो गया, जूते कपड़े हो गया, ठीक है? मतलब क्या है, मतलब से अब थर्ड पार्टी का किसी का कपड़े, जूते हो गया, फर्नीचर वगैरह हो गया, राइट? ये सारे चीजें बेचता है, और यहां से डीमार्ट को मार्जिन ज्यादा मिलता है देन से फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर सेलिंग द एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, बोथ इन फूड एंड नॉन फूड। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये सेगमेंटेशन जानना क्यों इंपॉर्टेंट था। देखो, अपने बिजनेस मॉडल भी आप सीख गए। अब बात आता है कि लाइक यहां पे क्या हुआ था, कोविड के बाद जब से इन्फ्लेशनरी प्रेशर 2022 से चालू हुआ था, तो अब देखो कि डीमार्ट का मार्जिन बहुत घट गया, इनका ईबिटडा मार्जिन घट गया, पैट मार्जिन घट गया। क्यों मार्जिन घटा? बिकॉज उनका जो ये हाई मार्जिन अपैरल एंड जनरल मर्चेंडाइज का जो सेगमेंट है, यहां पे इनका 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 प्रॉब्लम दिखने लगा था। बिकॉज डीमार्ट भी आज सेमी अर्बन रूरल एरियाज में बहुत सारे जगहों में है, तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर के वजह से डीमार्ट का कस्टमर, ये जो अपैरल वाले सेगमेंट है, यहां पे ज्यादा से ज्यादा इनका सेल्स बढ़ नहीं रहा था, ठीक है? मतलब कि यहां पे प्रेशर आ रहा था टू ग्रो दिस पार्ट ऑफ द बिजनेस। एज अ रिजल्ट ऑफ इस क्या हुआ, पूरा बिजनेस का, डीमार्ट का आपका मार्जिन्स घट गया। तो सोचो, आपका ये एफएमसीजी का फूड एंड नॉन फूड वाला सेगमेंट से इनका तो सेल्स ग्रोथ हो ही रहा था 15-18% से, लेकिन दूसरे साइड में इनकम स्टेटमेंट में आप देखोगे इनका मार्जिन्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, बिकॉज द नॉन एफएमसीजी साइड वाला सेगमेंट में प्रेशर पड़ रहा था। मतलब यहां पे जो सेल्स ग्रोथ हो रहा था, दैट वाज मोस्टली ड्रिवन बाय द एफएमसीजी स्पेस। नाउ अब मैं ये वाला स्टोरी से डीमार्ट, आप देखोगे पिछले एक साल में बहुत स्ट्रगल किया, ठीक है? लेकिन पिछले 2-3 क्वार्टर में यू वुड सी के लाइक द अपैरल वाला सेगमेंट इज कमिंग बैक। मतलब इनका मार्जिन थोड़ा थोड़ा करके इंप्रूव हो रहा है। इवन इस क्वार्टर में भी अगर आप इनका पैट का मार्जिन देखोगे, तो पैट का मार्जिन एक जगह में बॉटम आउट करके अभी बेटर हो रहा है। इवन उनका मैनेजमेंट ने भी, जो इनका तो कॉन कॉल नहीं होता है, लेकिन मैनेजमेंट एक नोट भेजता है, तो वहां पे उनका सीईओ जो है, उन्होंने यही बताया कि द मार्जिन्स आर कमिंग बैक अप इन द नॉन एफएमसीजी कैटेगरी, बिकॉज वो हाई मार्जिन वाला प्रोडक्ट है। तो ये हो गई डीमार्ट का जो पर्सपेक्टिव। अब देखिए, अगर मैं ये नहीं बता के सिर्फ आपको नंबर्स बताता, तो उतना सेंस नहीं बनता, राइट? तो अभी हम बात करते हैं डीमार्ट का सेल्स का क्या हुआ। तो Q1 FY 25 में इन्होंने अपने सेल्स को 18% से बढ़ाया ओवर Q1 FY 24,
और इनका अगर आप देखोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दैट ग्रू बाई अराउंड 17% के आसपास। तो अभी भी आप देख रहे हो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ग्रोथ सेल्स ग्रोथ से कम है, मतलब अभी भी इनको वो पूरे दम पे वो उनका जो पहले मार्जिन हुआ करता था वो अभी तक नहीं मिला। बट व्हाट एम आई सेइंग, इन द पास्ट टू क्वार्टर्स जब मैं डीमार्ट को ट्रैक कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि धीरे धीरे करके इनका ओवरऑल बिजनेस मार्जिन इंप्रूव हो रहा है बिकॉज ऑफकोर्स द नॉन एफ एम सी जी सेगमेंट, द अपैरल जूते कपड़े वाला फर्नीचर वगैरह सेगमेंट में। सो ये हो गया उनका बात। अब देखिए, अब पॉइंट है के लिए टोटल डीमार्ट का स्टोर से कुछ अराउंड 371 के आसपास, और इन्होंने लास्ट ये जो Q1 FY25 है इन्होंने कुछ 6 स्टोर्स ऐड किया। तो लॉजिकली सोचो राइट, 6 स्टोर अपने ऐड किया तो एनुअलाइज बेसिस में यू विल बी एडिंग अराउंड 24-30 स्टोर्स के आसपास एट दिस पेस राइट, इस फिस्कल में राइट, इन FY25। तो इफ यू आर एडिंग 24-30 स्टोर्स ऑन अ बेस ऑफ 360-370 स्टोर्स, दैट मीन्स आपका स्टोर एक्सपेंशन रेट इज लेस देन 10%, है ना। मतलब क्या है, मतलब देखिए आज जैसे मैंने बताया डीमार्ट सारे लो मार्जिन वाला सामान बेचते हैं, तो अगर उनका वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आता है राइट, तो मतलब और वॉल्यूम ग्रोथ कहां से आएगा, वॉल्यूम ग्रोथ आएगा जितने फास्ट पेस से आप नया दुकानें खोलो। लेकिन हम डीमार्ट को भी ब्लेम नहीं कर पाएंगे बिकॉज डीमार्ट वैसे भी इतना बड़ा उनका बेस बन चुका है, जैसे मैंने बताया दे हैव 371 स्टोर्स। सो ट्राइंग टू ग्रो एट 20-30-40% का स्टोर एक्सपेंशन रेट ऑन दिस 300-400 स्टोर इट विल बी टफ राइट। सो एज द साइज बिकम्स बिगर राइट, आपका पेस ऑफ ग्रोथ बिकम्स मतलब इट गेट्स स्मॉलर एंड स्मॉलर राइट। सो वो वाला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट तो ये है कि लाइक अगर मैं डीमार्ट का बात करूं तो डीमार्ट का FY24 में देखोगे तो उनका प्रॉफिट्स कुछ 2500 करोड़ का आया, 2500 करोड़ का आया। तो अगर मैं इस रेट से भी आगे लेके जाऊं कि उनका पैट का लेट से ग्रोथ 16-20% से बढ़ा, तो उनके आसपास का पैट कितना होगा बताओ, मतलब 3000 करोड़ के आसपास अगर मैं थोड़ा सा एग्रेसिवली भी सोचूं तो FY25 में पैट हो सकता है अराउंड 3000 करोड़ राइट। और डीमैट का मार्केट कैप आज देखोगे आप 3,20,000 करोड़ के आसपास है। सो 3,20,000 करोड़ के मार्केट कैप में अगर आज मैं FY25 का पूरा पैट का भी आज सोचू कि चलो मैं आज 3000 करोड़ ही दे दू, फिर भी आई एम पेइंग ओवर 100 PE, मतलब ₹1 FY25 का अर्निंग्स के लिए आई एम पेइंग 100 times, एक्चुअली इट्स 110 or 120 व्हाटएवर इट इज टाइम्स ठीक है। सो जिसका सेल्स ग्रोथ है 17-18%, जिनका अभी भी ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता नहीं है राइट, और उसके लिए मैं 110-120 का पी दू, आई थिंक आई हैव बेटर डील्स इन द मार्केट। बट देखिए ये वाला जो पॉइंट है डीमार्ट का, ये जो पूरा चीज मैंने करके आपको बोला राइट, तो यहां से आप देख सकते हो कि लाइक आपको बाकी कंपनीज को ही इस एंगल से भी देखना पड़ेगा, है ना, कितना वो कमा सकता है वर्सेज उसका मार्केट कैप कितना है, कितना टाइम्स आप उसको दे रहे हो राइट। सो मार्केट कैप डिवाइडेड बाई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स राइट, इट्स द सेम एसपीई रेशियो ओनली। सो इस तरीके से डीमार्ट का डील मुझे उतना कभी अच्छा लगता नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि पैसा नहीं बनेगा, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि इससे कतई बेटर डील्स मेरे पास है ठीक है। अगेन कोई रिकमेंडेशन की बात आती नहीं यहां पे। सो मेरे को जो लगता है मैं वही बताता हूं आपके साथ। दूसरा हम बात करते हैं जियोजीत फाइनेंशियल्स की। अब ये जो कंपनी है ये एक इन्वेस्टमेंट सर्विसेज कंपनी है, मतलब इनका आप देखोगे इनका 3 मेन डिविजन है ठीक है। पहला तो है कि इनका एक ब्रोकरेज सर्विसेज का डिविजन है विच कॉन्ट्रीब्यूट आई थिंक द मोस्ट पार्ट ऑफ देयर रेवेन्यू, मैं रेवेन्यू ब्रेकअप में आऊंगा। तो एक हो गया उनका ब्रोकरेज डिविजन, दूसरा है उनका डिस्ट्रीब्यूशन डिविजन। डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, मतलब से फॉर एग्जांपल के आप दूसरों का कंपनीज का म्यूचुअल फंड्स ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इंश्योरेंसेस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर इनका खुद का एक पीएमएस सर्विस है जहां पर इनका कोई पीएमएस फंड्स वगैरह है उनसे भी ये डिस्ट्रीब्यूशन का फीस लेते हैं। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन मतलब यहां पे चलो एडवाइजरी फीस वगैरह पकड़ लो, तो फीस एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज द सेकंड पार्ट ऑफ द सेल्स। एक हो गया ब्रोकरेज सेल्स, दूसरा आता है आपका फीस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा उनका एक सेगमेंट है जो क्या करते हैं, ये पैसे देके इंटरेस्ट से कमाते हैं। मतलब आपने देखा होगा ये ट्रेडर्स को ब्रोकरेज हाउस क्या करते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग फंड्स देते हैं, तो उसके लिए एनुअलाइज रेट में 17-18% से वो लोग पैसा उठाते हैं ठीक है। तो बेसिकली क्या है, एमटीएफ बोलते हैं इसको, मार्जिन ट्रेडेड फंड्स, उनसे भी जो इंटरेस्ट इनकम आता है वो भी इनका सेल्स का पार्ट है। तो बेसिकली क्या है, अब थोड़ा डिविजन के बारे में बात कर लेते हैं। जो ब्रोकरेज डिविजन है जियोजीत का, दैट कॉन्ट्रीब्यूट अराउंड 43-45% ऑफ सेल्स। जो डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडवाइजरी जो फीस वाला बिजनेस है, दैट इज अराउंड 30-31% ऑफ सेल्स, और ये जो इंटरेस्ट इनकम आता है मार्जिन ट्रेडेड फंड से, दैट इज 17% ऑफ सेल्स। और बाकी इनका और भी कुछ है, ये लोग डिपॉजिटरी कस्टोडियन का भी काम करते हैं, फिर इनका सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो इन्होंने खुद बनाए हैं ट्रेडिंग का, म्यूचुअल फंड में पैसा डालने के लिए। तो ये लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को कभी कभार दूसरों को यूज करने भी देते हैं, तो उससे भी एक सॉफ्टवेयर इनकम भी आता है, बट दैट इज वेरी लो राइट। मेन थिंग क्या है, इनका ब्रोकरेज इनकम, फिर इनका आता है डिस्ट्रीब्यूशन इनकम, और इनका आता है इंटरेस्ट इनकम। अब आप बोलोगे मुझे के लिए इनका
इनका बिजनेस मॉडल में क्या हुआ। अब देखिए इनका रिजल्ट्स अच्छे ही आया है, मतलब इनका 30% के ऊपर में ही इनका ग्रोथ आया है, अगर मैं Q1 और Q1 का बात करूं, व्हेन इट कम्स टू सेल, व्हेन इट कम्स टू पैट, ठीक है। लेकिन यहां पे एक चीज आपको देखना पड़ेगा, सोचिए ना FY24 मतलब जो फिस्कल हमारा गया और इवन Q1 का जो अभी नंबर आया है, राइट, तो ये नंबर से आपको एक चीज समझ में आ रहा है कि सिंस हम अभी बुल मार्केट में है, तो बुल मार्केट में रहने से क्या होता है, कोई भी ब्रोकरेज कंपनी का ब्रोकरेज इनकम बड़ा है, राइट, बिकॉज इनका ब्रोकरेज इनकम क्या होता है, मोस्टली तो आप देखोगे FNO वॉल्यूम से बढ़ता है ना, मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जितना ट्रेडिंग होगा, जितना वॉल्यूम बढ़ेगा, जितना आप देखोगे डेली टर्नओवर्स बढ़ेगा, डेली टर्नओवर का जितना ग्रोथ है उतना ब्रोकरेज इनकम कमाता है, राइट, तो दैट इज व्हाई इनका ब्रोकरेज डिवीजन हैज बीन डूइंग गुड। दूसरे साइड में इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडवाइजरी है, मतलब क्या है, ये थोड़ा वेल्थ मैनेजमेंट की तरह काम करता है, मतलब सोचिए ना आज अगर आप लेट से एक डिस्ट्रीब्यूशन का प्लेटफॉर्म बना के रखे हो और इनके पास क्या है, इनके पास इनका इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, तो ये अपने क्लाइंट्स को क्या बताते हैं कि लेट देखो आज लेट से HDFC म्यूचुअल फंड में ये दो अच्छे फंड है, वो तीन अच्छे फंड है, लेट से निपॉन का, फिर इसका उसका, ये क्या करते हैं, अब ये जो रिसर्च करते हैं वो जियोजीत का खुद का इन हाउस रिसर्च का टीम है, वो करके क्लाइंट्स को बताते हैं। अब क्लाइंट्स का जितना पैसा उस फंड्स के पास जाते हैं उसका भी आपको एक ट्रांजैक्शन फी मिलता है, या आप उसको कमीशन बोल सकते हो, वो मिलता है। तो यहां पे गेम क्या है, यहां पे गेम है कि जितना ज्यादा AUM बढ़ेगा उतना ज्यादा ही इनका फीस बढ़ेगा, है ना, बिकॉज सोचो एक फंड मैनेजर है जो 100 करोड़ मैनेज कर रहा है और एक दूसरा फंड मैनेजर है जो लेट से 10 लाख करोड़ मैनेज कर रहा है, तो विच फंड मैनेजर विल हैव अ हायर फी, ऑफकोर्स जो 10 लाख करोड़ को मैनेज कर रहे हैं, राइट, एंड ऑफकोर्स उसमें भी आप देखोगे कि एक फंड मैनेजर कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स मैनेज करें देन डेट ओरिएंटेड फंड, बिकॉज इक्विटी फंड्स में उनको ज्यादा पैसा मिलता है as yield or whatever it is, ठीक है, ये हो गया। तो जियोजीत आप देखोगे उनका बहुत सारे प्लेटफॉर्म बिजनेसेस है, तो उनका दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड गिविंग आउट लोन्स अगेंस्ट शेयर्स, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड, फिर उनके पास ऑन, जैसे मैंने बताया उनका खुद का ऑनलाइन म्यूचुअल फंड एप्लीकेशंस भी है, राइट, जैसे उनका खुद का फंड्स, मतलब उनके खुद के म्यूचुअल फंड्स और दूसरे फंड्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन करवाते हैं, तो अच्छी बिजनेस मॉडल है जियोजीत का, आई लाइक द बिजनेस मॉडल। फिर उसके साथ क्या है, उसके साथ इनका खुद का PMS का सर्विस भी है, जैसे PMS में क्या है, दे विल उसके बाद क्या होगा कि उनका खुद का PMS मैनेजर हो, PMS में उनको पता है कि कौन से स्टॉक्स लेना है, वो मैनेजर्स मैनेज करते हैं और उनके क्लाइंट्स यहां पे पैसे डालते हैं, और यहां पे उनका बेस्ट पार्ट है कि लाइक यहां पे जो जियोजीत का खुद का PMS है वहां पे कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है, तो अगर मैं खुद क्लाइंट हूं और मैंने लेट से आज PMS ने लेट से 50 लाख या 1 करोड़ रुपए डाला, अगर लेट से मुझे कल ही पैसे की जरूरत हो तो मैं पैसे को PMS से उठा सकता हूं, ठीक है, ऐसा कोई लॉक इन टाइप का नहीं है। फिर उसके बाद उनका एक स्मार्ट फोलियो करके एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वहां पे वो क्या करते हैं, क्यूरेटेड पोर्टफोलियोस बनाते हैं, ठीक है, और अपने अपने पोर्टफोलियो को अपने क्लाइंट्स को दिखाते हैं, ठीक है, तो अपना जो क्लाइंट है जो स्मार्ट फोलियो लेते हैं वो उस पोर्टफोलियो के अनुसार अपना 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 शेयर्स खरीदना बेचना करते हैं, और ऑफकोर्स जियोजीत इज ऑल्सो SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, तो ये लोग रिकमेंड भी कर सकते हैं कि ये शेयर खरीदो, ये शेयर बेचो, इसके एलोकेशन बढ़ाओ, इसके एलोकेशन घटाओ, तो ये लोग क्या करते हैं, कस्टमाइज सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को, एंड ऑफकोर्स एट द एंड ऑफ द डे जितना अच्छा आप सर्विस प्रोवाइड करोगे उस क्लाइंट्स का ज्यादा से ज्यादा पैसा आपके पास आएगा, राइट, या फिर आपका मतलब आप या फिर कोई और एक म्यूचुअल फंड में जाएगा और आपका डिस्ट्रीब्यूशन इनकम, ट्रांजेक्शन फी इनकम का ग्रोथ होगा, दैट इज द होल बिजनेस मॉडल हियर। एंड ऑफकोर्स इनका भी आज आप देखोगे जियोजीत का भी एंजल वन के तरह थोड़ा बिजनेस मॉडल है, जैसे एंजल वन भी टायर 2, 3, 4 सिटीज में जाके लोगों को अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में ला रहे हैं, जियोजीत भी वही कर रहे हैं, जियोजीत का भी आई थिंक 75% के ऊपर उनका जो क्लाइंट्स है वो टायर 2, टायर 3 सिटीज से है। ओके, तो यही वाला पॉइंट है। इनका FY24 का अगर आप नंबर देखोगे तो सेल्स ग्रू 39% YOY, पैट ग्रू 50%, इनका Q1 FY25 का भी नंबर्स बहुत ही अच्छे आए हैं, एट दैट रेंज पे ही आया है, सेल्स ग्रू नॉर्थ ऑफ, आई थिंक मैंने कल जब उनका रिजल्ट आया तो एक झलक देखा था, आई थिंक सेल्स उनका 30% के ऊपर का ही ग्रोथ आया है Q1 ओवर Q1 में, तो सब कुछ तो ठीक है, कोई बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन यहाँ पे एक चीज देखना पड़ेगा कि यहाँ पे साइक्लिकलिटी इन्वॉल्व्ड है, लाइक से जैसे मैंने बताया जियोजीत का 45% ऑफ सेल्स आता है आपका ब्रोकरेज सेगमेंट से, तो सोचो कल अगर बहुत बड़ा बेयर मार्केट आता है, निफ्टी सेंसेक्स एकदम कहीं जाता वाता नहीं है, तो इनका ब्रोकरेज इनकम का ग्रोथ में थोड़ा इफेक्ट हो सकता है, एंड राइट सिंस ये कैपिटल मार्केट का बिजनेस है ना, दूसरे साइड से अगर आप देखोगे कि बुल मार्केट में लोग SIP भी ज्यादा करते हैं, बुल मार्केट में लोग अपना मतलब यहाँ पे आप देखोगे म्यूचुअल फंड्स में भी ज्यादा पैसा डालते हैं, लेकिन बेयर मार्केट में लोग थोड़ा डर जाते हैं, थोड़ा पोस्टपोन कर लेते हैं, है ना, सो पिछले आप 8-10 महीने में जितना भी AMC कंपनी, डिपॉजिटरी, फिर वेल्थ मैनेजमेंट,
फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, फिर आपका आरटीए, सब कंपनीज ने भर भर के पैसे बनाए बिकॉज ये एंटायर कैपिटल मार्केट्स डिड वेल। सो जब कैपिटल मार्केट्स डू वेल, सब मिल बांट के खाते हैं और सब पैसे बनाते हैं। तो आपने देखा होगा ये सारे जो स्टॉक्स है राइट, सब ने पैसे बनाए अपने इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है। तो लेकिन यही देखना पड़ेगा, सिक्लिकलिटी है इसमें बिकॉज जैसे मैंने बताया राइट, और यहां पे बिजनेस मॉडल में क्या है ना, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में, अगर आप से फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में एसआईपी करवा रहे हो, सो दोस पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फीस आर मोर से फॉर एग्जांपल सेकुलर देन से फॉर एग्जांपल ब्रोकरेज का फीस राइट, बिकॉज कल आपका एफएनओ वॉल्यूम में ग्रोथ नहीं आया तो वहां पे आपका ओवरऑल सेल्स ग्रोथ में इफेक्ट हो जाएगा बिकॉज 40-50% ऑफ जियोजीत का सेल्स अभी भी वो ब्रोकरेज वाला सेगमेंट से आता है। सो यही है, कंपनी का आरओई का नंबर भी अराउंड 17-18% के आसपास है और ऑफकोर्स आई एक्सपेक्ट द आरओई नंबर टू गो अप इन द फ्यूचर बिकॉज एक प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस है एंड प्लेटफॉर्म बिजनेसेस अगर आप कोई भी कैपिटल मार्केट्स का स्टॉक का देखोगे तो वो 17-18-20-25-30% का आरओई में रहता है बिकॉज दे आर जनरली कैश जनरेटिंग मशीन, इनका प्लेटफॉर्म सेट है तो इनका जो भी ओवरऑल सेल्स ग्रोथ होता है वो डायरेक्ट आपको बॉटम लाइन में दिख जाता है बिकॉज आपका फिक्स्ड कॉस्ट है प्लेटफॉर्म का जो मोस्टली बन के रखा है। सो यही तक है, ये दोनों कंपनी है, अगला वीडियो में आई विल कवर 2-3 मोर कंपनीज इन डिटेल। थैंक यू।